इस कहानी की शुरुआत में हम एक लाल बालों वाली विच को देखते हैं जो अपनी छोटी बेबी के साथ बाइक से किसी से बचकर भाग रही थी। एक पीले रंग की कार लगातार लाल बालों वाली विच का पीछा कर रही थी। अब वो पीली कार लाल बालों वाली विच को पकड़ने वाली होती है कि तभी विच अपने कुछ लाल बालों को तोड़कर कार के ऊपर फेंकती है और अगले पल विच के बाल कीड़ों में बदल जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लाल बालों वाली विच को अपनी छोटी बेबी के साथ एक अनाथालय के सामने देखते हैं। विच ने अपनी छोटी बेबी का नाम एयरविक रखा था। विच एयरविक को एक लेटर के साथ अनाथालय के दरवाजे पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। एयरविक के रोने की आवाज सुनकर अनाथालय की हेड मिस मेटन जब बाहर आती है तो एयरविक को अनाथालय के दरवाजे पर पड़ा देखकर उसे गोद में उठा लेती है और एयरविक से प्यार करने लगती है क्योंकि मिस मेटन छोटे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मिस मेटन की असिस्टेंट जब एयरविक के पास पड़े लेटर को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि 12 विचेस एयरविक की मोम का पीछा कर रही है, इसलिए एयरविक को उनके पास छोड़कर जा रही है ताकि एयरविक सुरक्षित रह सके और जब वो उन 12 विचेस को चकमा देने में कामयाब हो जाएगी तो वापस आकर एयरविक को ले जाएगी, लेकिन इस काम में सालों का समय लग सकता है। मिस मेटन के असिस्टेंट को जब पता चलता है कि 12 विचेस एयरविक की मोम का पीछा कर रही है तो डर जाती है और मिस मेटन को बताती है कि इस बच्चे का नाम एयरविक है जिसकी मोम का 12 विचेस पीछा कर रही है, तो हो सकता है कि एयरविक की मॉम और एयरविक दोनों भी एक विच हो। मिस मेटन को एयरविक बहुत पसंद आई थी और वो विचेस के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए अपने असिस्टेंट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और एयरविक का नाम बदल कर एरिका रख देती है। एरिका के आने से अनाथालय के सभी लोग बहुत खुश थे। अगले सीन में हम कई सालों के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर अब एयरविक बड़ी हो चुकी है। रात में एयरविक अपने दोस्त कस्टर्ड और अनाथालय के बाकी बच्चों के साथ पास के कब्रिस्तान में गोश्त बनकर खेलती है और जब एक बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो बच्चों को असली गोश्त समझकर डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब एरिका कस्टर्ड के साथ वॉच टावर के ऊपर जाने लगती है क्योंकि वहाँ से आसपास का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता था। एरिका को किसी भी चीज से डर नहीं लगता था, लेकिन कस्टर्ड हर छोटी से छोटी चीजों से भी डर जाता था। वॉच टावर के ऊपर जाने के दौरान एरिका कस्टर्ड को डराती है कि अगर हमें वॉच टावर के पास एक कटा हुआ सर दिखाई देगा जो हमें घूर रहा होगा तो क्या होगा। एरिका की बातें सुनकर कस्टर्ड डर जाता है और उसे अपनी बातें बंद करने के लिए कहता है। वॉच टावर के ऊपर आकर एरिका और कस्टर्ड बहुत खुश होते हैं। अब कस्टर्ड जब एरिका से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई फैमिली एडॉप्ट कर लेगी और तुम कहीं और रहने के लिए चली जाओगी तो क्या होगा, इस पर एरिका कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे वो सब कुछ मिलता है जो मैं चाहती हूँ, सभी मेरी बात मानते हैं और मुझसे प्यार करते। इसके बाद एरिका कस्टर्ड को अपने सिखाए गए तरीके से फेस बदलने के लिए कहती है ताकि अगर कोई उन्हें एडॉप्ट करने के लिए आए तो उनके अजीब से फेस को देखकर उन्हें एडॉप्ट ना करे। अगले दिन जब मिस मेटन वापस अनाथालय आती है तो काफी ज्यादा गुस्सा थी और अपनी असिस्टेंट को बताती है कि बाहर मुझे मिस्टर जेनकिस मिले थे जो पास के कब्रिस्तान में ढेर सारे भूतों के दिखने की बात कर रहे थे। वो गोश्त कोई और नहीं बल्कि हमारे बच्चे थे और क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर मिस मेटन की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और ये भी तो हो सकता है कि वो सब रियल गोश्त हो, लेकिन मिस मेटन को गोश्त होने पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब यहाँ पर एरिका भी आ जाती है जो मिस मेटन को बताती है कि मिस्टर जेनकिंस ने कल रात मुझे देखा होगा। एरिका की बातें सुनकर मिस मेटन पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि एरिका खुद को दोषी बता रही थी, लेकिन जब एरिका मिस मेटन को बताती है कि उसने सभी बच्चों के साथ मिलकर कल रात एक फेयरवेल पार्टी रखा था क्योंकि आज किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया जाएगा, इसीलिए वो जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ खुशी से एक यादगार रात गुजार सके। एरिका की मीठी बातें सुनकर मिस मेटन का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो एरिका से खुश होकर उसे लाल स्वेटर गिफ्ट करती है जो एरिका को बहुत पसंद आता है। एरिका आज बहुत खुश थी, इसीलिए मिस मेटन का बैग उनके कमरे तक पहुंचाती है और खुशी से झूमते हुए जब वो रसोई में पहुंचती है तो खाने से आ रही खुशबू से खाना बना रहे शेफ की खूब तारीफ करती है। शेफ भी एरिका को बहुत पसंद करते थे इसीलिए एरिका को किचन में आने से नहीं रोकते थे। अब एरिका जब कस्टर्ड के साथ बैठकर बुक पढ़ रही होती है तो अचानक से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे पास में मौजूद वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो छोटे बच्चों को किसी खिलौने की तरह चेक करके एडॉप्ट करते थे। एरिका कस्टर्ड के साथ एक दूसरी जगह पर आकर बुक पढ़ने लगती है। अब बेला यागा नाम की एक विच अपने
शादी मेंड्री के साथ अनाथालय में एक बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए आती है। मिस मेटन सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करती है और बेला सभी बच्चों को देखकर उनमें से एरिका को एडॉप्ट करने के लिए चुनती है। एरिका यह देखकर पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि उसके अजीब से फेस बनाने के बावजूद भी बेला ने उसे ही चुना था और एरिका को लग रहा था कि बेला का साथी मेंड्रिक जरूर एक वैम्पायर है। अब एरिका बेला के साथ जाने से सांसा मना कर देती है, लेकिन जब मिस मेटन एरिका को समझाती है कि उसे एक बेहतर परिवार मिल रहा है और वो मिस बेला के साथ बहुत खुश रहेगी तो एरिका बेला के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। एरिका जब अपना सामान पैक करके बेला और मेंड्रिक के साथ जाने लगती है तो कस्टर्ड और अनाथालय के सभी लोग बहुत दुखी थे क्योंकि एरिका से बहुत प्यार करते थे। एरिका जब मिस बेला के साथ उनके घर आती है तो सोचती है कि वो तो यहाँ से बड़ी आसानी से किसी भी वक्त भाग सकती है, लेकिन अचानक से बाहर जाने का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसे देखकर एरिका पूरी तरह से हैरान थी। घर के अंदर आने के बाद मेंड्रिक बेला से कहता है कि मैंने तुम्हें वो दिलवा दिया है जिसकी तुम्हें जरूरत थी, इसीलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ऐसा बोलकर मेंड्रिक अपने कमरे में चला जाता है और बेला एरिका को उसका कमरा दिखाते हुए बताती है कि मैं एक विच हूँ और तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे काम करने के लिए दो और हाथों की जरूरत थी। एरिका बेला की सच्चाई जानकर बिल्कुल भी नहीं डरती और वो बेला से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे काम कर दिया करूंगी जिसके बदले तुम मुझे अपनी असिस्टेंट बनाकर जादू सिखाओगी। बेला भी इसके लिए राजी हो जाती है। एरिका को लग रहा था कि उसके लिए बेला का काम करना बिल्कुल आसान होगा, लेकिन वो गलत थी क्योंकि जब वो बेला के एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू थी और टेबल पर चारों तरफ अजीब सी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि चूहे की हड्डियाँ, अजीब से कीड़े और भी बहुत कुछ। फर्श पर बहुत सारा कीचड़ था। बेला एरिका को जल्दी से ये सब साफ करने के लिए कहती है और एरिका को समझाती है कि वो कभी भी मेंड्रिक को डिस्टर्ब ना करे क्योंकि जब मेंड्रिक गुस्सा होता है तो बहुत सी भयानक चीजें होती है। एरिका किसी तरह बेला के एक्सपेरिमेंट वाले कमरे को साफ करती है और बेला के कहने पर चूहों की हड्डियों को पीसती है। एरिका बार बार बेला से मैजिक के रिलेटेड सवाल पूछती है, लेकिन बेला एरिका के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और एरिका को अपने काम पर ध्यान देने के लिए बोलती है। बेला अपने क्लाइंट के कहने पर एक खास प्रकार का मैजिकल सूप बना रही थी और जब वो फोन पर अपने क्लाइंट से बात करने में बिजी हो जाती है तो इस मौके का फायदा उठाकर एरिका बेला के मैजिकल बुक से अपने लिए कोई रिचुअल देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा रिचुअल नहीं मिलता जिससे वो यहाँ से भाग सके, इसीलिए वो बुक को वापस से पहले जैसा कर देती है। लेकिन बेला का पालतू बिल्ला थॉमस एरिका को ऐसा करते हुए देख रहा था। अब बेला जब मैजिकल सूप बनाती है तो एरिका सूप के अंदर से रोशनी निकलते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। रात में जब एरिका बेला और मेंड्रिक के साथ खाना खाने जाती है तो बेला मेंड्रिक से पूछती है कि आज तुमने मेरे लिए क्या लाया है, जिस पर मेंड्रिक बेला को बताता है कि वो उसके लिए स्टेशन के पास से चिप्स लाया है। बेला कहती है कि उसे चिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर मेंड्रिक गुस्सा हो जाता है और उसके गॉगल्स के अंदर आग की चिंगारियां आने लगती है। इस पर एरिका मेंड्रिक से कहती है कि उसे चिप्स बहुत पसंद आए और वो चिप्स के लिए मेंड्रिक को थैंक्स बोलती है। अगले दिन एरिका बेला के घर में मौजूद सारे कमरों के अंदर जाकर चेक करने का डिसाइड करती है कि उनके अंदर क्या है। अब एरिका जब एक कमरे के अंदर आती है तो उसके अंदर एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी जहाँ पर ढेर सारी किताबें रखी हुई थी। लाइब्रेरी में मौजूद अजीब से जीव एरिका के ऊपर किताबें गिराने लगते हैं, जिसके बाद एरिका उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब एरिका जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा बदबू थी, जिसकी वजह से एरिका जल्दी से कमरे से बाहर आ जाती है और अपने नाक को ढक कर वापस से कमरे के अंदर जाती है। बेला के घर के कमरे बाहर से देखने में छोटे लगते थे, लेकिन अंदर जाने पर वो काफी ज्यादा बड़े और विशाल होते थे। एरिका को उस कमरे के अंदर एक पीली कार मिलती है और ये वही पीली कार थी जिसे मूवी के स्टार्टिंग में हमने एरिका की मॉम का पीछा करते हुए देखा था। कार के अंदर एरिका को एक बुक मिलती है जिस पर एयरविक लिखा हुआ था। एरिका उस बुक को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है और अब एरिका बेला के घर से भागना चाहती थी, लेकिन जब वो घर से बाहर जाने के दरवाजे के पास जाती है तो देखती है कि दरवाजा वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद एरिका खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खिड़की को तोड़ नहीं पाती क्योंकि वो मैजिकल थे। अब एरिका हार मानकर सो जाती है। उसे लग रहा था कि वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। अगली सुबह एरिका को देर तक सोता देखकर बेला उसे जल्दी से जागने के लिए कहती है। अब एरिका जब अपने वॉशरूम में फ्रेश होती है तो उसे पता चलता है कि अब तक वॉशरूम में कोई भी नहीं गया था, यानी कि एरिका का वॉशरूम सिर्फ वो ही अकेले यूज करती है। इसके बाद एरिका बेला के साथ किचन में आ जाती है, जहाँ पर बेला
उन सभी के लिए नाश्ता बनाती है और एरिका को ध्यान से देखने के लिए कहती है क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसे भी बेला की तरह ही नाश्ता बनाना था। एरिका बेला से कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो तुम मेरे साथ क्या करोगी, जिस पर बेला एरिका को बताती है कि मैं तुम्हें कीड़े खिलाऊंगी। इसके बाद एरिका बेला के साथ गार्डन में आ जाती है जहाँ पर बेला एरिका को कुछ खास किस्म के पत्ते इकट्ठा करने के लिए कहती है क्योंकि उन पत्तों को अपने मैजिक में इस्तेमाल करने वाली थी। अब एरिका जब गार्डन से बाहर जाने का रास्ता देखती है तो भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गार्डन के जादुई पौधे एरिका को पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से भागने से रोकते हैं। इसके बाद एरिका बेला के साथ उसके एक्सपेरिमेंट लैब में आ जाती है जहाँ पर बेला एरिका से ढेर सारा काम करवाती है, और जब एरिका बेला से मैजिक सिखाने के लिए कहती है तो बेला हर बार एरिका को कोई नया काम करने के लिए बोल देती है। काफी देर तक काम करने के बाद एरिका को समझ आ जाता है कि बेला उसे कभी भी मैजिक नहीं सिखाएगी। काम खत्म करने के बाद एरिका जब बेला के एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर निकलती है तो मेंढी के कमरे से आवाज आता देखकर उसके कमरे में झांकने लगती है, जहां पर वो देखती है कि कुछ जादुई क्रिएचर मेंढी को वो चीज तुरंत लाकर दे रहे थे जिस चीज की मेंढी मांग करता था। एरिका ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी और फिर इसके बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। कुछ समय के बाद बेला का पालतू बिल्ला थॉमस भी एरिका के पास आ जाता है क्योंकि वो बेला के घर में बिल्कुल अकेला था। थॉमस के आने से एरिका को एक नया फ्रेंड मिल गया था और वो रेडियो पर म्यूजिक बजाकर खूब एंजॉय करती है और सो जाती है। अगले दिन जब एरिका सोकर उठती है तो वापस से बेला के एक्सपेरिमेंट रूम में उसके लिए ढेर सारा काम करती है। अब एरिका बेला के लिए काम करते करते थक चुकी थी और जब वो काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो रेडियो बजाकर मेंढी का ड्राइंग बनाने लगती है। एरिका के म्यूजिक बजाने की वजह से मेंढी को गुस्सा आ रहा था और एरिका के कमरे की दीवार पर अचानक से चमकदार लाल निशान बनने लगे थे। एरिका जब उस रोशनी को देखती है तो डर जाती है, जिस पर बेला का पालतू बिल्ला थॉमस एरिका को बताता है कि वो म्यूजिक बजाना बंद कर दे क्योंकि इससे मेंढी को गुस्सा आ रहा है। थॉमस को बोलता देखकर एरिका पूरी तरह से हैरान होती है और वो थॉमस के कहे मुताबिक ड्राइंग बनाना और म्यूजिक बजाना बंद कर देती है। एरिका थॉमस से पूछती है कि क्या तुम्हें भी बेला की तरह मैजिक आता है। इस पर थॉमस बोलता है कि हाँ, और इसके बाद वो दोनों बेला के एक्सपेरिमेंट रूम में आ जाते हैं जहाँ पर बेला रात होने की वजह से नहीं थी। अब थॉमस और एरिका मिलकर बेला के मैजिक बुक में वो फॉर्मूला ढूंढ लेते हैं जिससे उनके ऊपर किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होगा। अब कई घंटों के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार एरिका और थॉमस वो लिक्विड बना लेते हैं जिसके बॉडी पर लगाने के बाद उनके ऊपर किसी भी मैजिक का कोई असर नहीं होगा। इसके बाद एरिका उस मैजिकल लिक्विड को थॉमस और खुद की बॉडी में अच्छी तरह से लगा देती है और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं क्योंकि मैजिकल लिक्विड बनाने के दौरान वो काफी ज्यादा थक चुके थे। अगली सुबह बेला वापस से एरिका से काम करवाने लगती है, लेकिन काम करने के दौरान एरिका बेला से कहती है कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रही हो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी क्योंकि मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, नौकर नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम मेंढी को देखते हैं जो न्यूज़पेपर में अपने खिलाफ छपे हुए न्यूज को देखकर गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखों से आग निकलने लगती है जिससे न्यूज़पेपर जलने लगता है। अब एरिका बेला का काम करने के दौरान जब गलती कर देती है तो बेला गुस्से में एरिका को एक थप्पड़ मार देती है, जिस पर गुस्से में एरिका बेला से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी असिस्टेंट बनाकर म्यूजिक सिखाओगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही हो और साथ ही अनाथालय से लाते समय तुमने मिस मेटन से वादा किया था कि तुम मेरी मॉम बनोगी। इस पर बेला एरिका से कहती है कि ना तो मैं तुम्हें कभी मैजिक सिखाऊंगी और ना ही कभी तुम्हारी मॉम बनूंगी। तुम चुपचाप सिर्फ काम पर ध्यान दो और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें कीड़े खिलाऊंगी। बेला की बात सुनकर एरिका वापस से काम करने लगती है क्योंकि इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकती थी। काम खत्म होने के बाद जब एरिका बेला और मेंढिक के साथ खाना खाने जाती है तो वहाँ पर मेंढिक ने बेला और एरिका के लिए अपने मैजिकल क्रिएचर से केक मंगाया था जो एरिका को बहुत पसंद आता है। अगले दिन एरिका जब वापस से काम कर रही होती है तो देखती है कि बेला किसी काम से बाहर जा रही है। बेला अपने मैजिक से घर से बाहर जाने के दरवाजे को विजिबल कर देती है, लेकिन जैसे वो घर से बाहर जाती है दरवाजा वापस से इनविजिबल हो जाता है। अब एरिका को एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह बेला की बॉडी में दो हाथ और लगा दे तो शायद बेला अपना हर काम खुद कर ले और एरिका को कुछ ना करना पड़े। इसीलिए एरिका थॉमस के साथ मिलकर बेला के मैजिकल बुक में बताए गए रिचुअल को फॉलो करते हुए बेला की एक गुड़िया बनाती है, लेकिन रिचुअल को पूरी तरह से सफल बनाने के
के लिए इन्हें बेला के बाल की जरूरत थी जो इन्हें नहीं मिल पाती है। अब मेंढक केक लेकर एरिका को देने के लिए उसके कमरे में आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एरिका को पसंद करता था। एरिका के कमरे में आकर मेंढक काफी गुस्से में होता है क्योंकि एरिका रेडियो पर गाना बजा रही थी जिससे मेंढक को प्रॉब्लम हो रही थी। मेंढक को गुस्से में देखकर एरिका रेडियो को बंद कर देती है। अब मेंढक जब एरिका को केक देकर जाने लगता है तो एरिका उसे थैंक्स बोलती है और साथ ही वो मेंढक से पूछती है कि क्या सर मैं आपकी लिखी हुई बुक पढ़ सकती हूँ। इस पर मेंढक बोलता है कि हाँ, और फिर वो दीवार को चीरते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एरिका और थॉमस मजे से केक को खाते हैं, लेकिन अब बेला भी वापस आ जाती है, इसीलिए एरिका जल्दी से रिचुअल का सामान अपने कमरे में छुपा देती है। बेला एरिका पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एरिका ने अभी बहुत सारे काम नहीं किए थे। अब एरिका वापस से काम करने लगती है और इस दौरान वो बेला का बाल हासिल करने की कोशिश करती है क्योंकि बिना बेला के बाल के रिचुअल को पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उसे बेला का एक बाल नहीं मिलता। अब एरिका जब काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो बर्गर खाते हुए मेंढक की नॉवेल पढ़ती है जो काफी ज्यादा बोरिंग थी। इसके बाद एरिका एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अपने कमरे की दीवार में छेद करके उस पार देखने लगती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसके कमरे के उस पार बेला का कमरा है जहाँ से उसे बेला का बाल मिल सकता है, लेकिन वो गलत थी क्योंकि दीवार के उस पार मेंढक का कमरा था जो अजीब तरह के मैजिकल जीवों के साथ डांस कर रहा था। एरिका मेंढक को ऐसा करता देखकर पूरी तरह से हैरान थी। अब एरिका जब वॉशरूम में आती है तो देखती है कि जिस स्क्रू ड्राइवर से उसने दीवार में छेद करके मेंढक को देखा था वो स्क्रू ड्राइवर तो वॉशरूम में होता है। एरिका ये देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। अब एक दिन एरिका को बेला के केप से उसका बाल मिल ही जाता है जिससे एरिका बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो रिचुअल को परफॉर्म कर सकती थी। बेला जब एरिका को नाश्ता बनाने के लिए कहती है तो एरिका जानबूझकर ब्रेड को जला देती है और जब मेंढक जले हुए ब्रेड को देखता है तो बेला पर बहुत गुस्सा होता है और उसे एरिका को नाश्ता बनाना सिखाने के लिए कहता है। इसके बाद मेंढक अपने मैजिकल क्रिएचर से अच्छे और फ्रेश ब्रेड मांगता है जिसे खाकर सभी अपनी भूख मिटाते हैं। वापस से एक्सपेरिमेंट रूम में आने पर बेला एरिका पर गुस्सा होती है क्योंकि एरिका की वजह से आज बेला को मेंढक से डांट खानी पड़ी थी। इस पर एरिका बेला से कहती है कि तब तुम मुझसे काम मत कराओ, लेकिन बेला एरिका की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस से उसे काम करने के लिए बोलती है। एरिका बेला के कहे मुताबिक काम करती है, लेकिन इस दौरान वो वॉशरूम का बहाना बनाकर एक्सपेरिमेंट रूम से बाहर आ जाती है और बेला के बाल की मदद से रिचुअल करके बेला की छोटी गुड़िया के ऊपर दो एक्स्ट्रा हाथ लगा देती है। एरिका का ये रिचुअल काम कर जाता है और बेला की बॉडी में सच में दो नए हाथ निकल आते हैं जिन्हें देखकर एरिका खूब हंसती है। बेला को जब पता चलता है कि ये सब एरिका ने किया है तो बेला एरिका को उसके कमरे में बंद कर देती है और सजा के तौर पर उसे खाने के लिए नीले कीड़े देती है। एरिका उन नीले कीड़ों को स्क्रू ड्राइवर की मदद से बनाए गए छेद से मेंढक के कमरे में भेज देती है। एरिका को लग रहा था कि उसने ऐसा करके उन नीले कीड़ों से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि एरिका के ऐसा करने से मेंढक गुस्से में आ गया था और एक जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर अपने अजीब से क्रिएचर्स के साथ बेला पर हमला करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा बेला ने किया है। एरिका मेंढक के जायंट रूप और उसके मैजिकल क्रिएचर की सेना को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। अब एरिका मौका पाकर पोर्टल की मदद से मेंढक के कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो बेला और अपनी मॉम की तस्वीर देखकर पूरी तरह से हैरान थी, लेकिन एरिका को नहीं पता था कि तस्वीर में मौजूद लाल बालों वाली विच कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। अब यहाँ पर मेंढक भी आ जाता है जो एरिका से पूछता है कि क्या तुमने नीले कीड़ों को मेरे कमरे में भेजा था। इस पर एरिका बोलती है कि उसने ये सब गलती से किया था। मेंढक इसके लिए एरिका को माफ कर देता है और वो एरिका को बताता है कि मैंने बेला को बोल दिया है कि वो तुम्हें ज्यादा परेशान ना करे और अपनी असिस्टेंट बनाकर मैजिक सिखाए। एरिका ये सुनकर बहुत खुश होती है और जब वो तस्वीर में मौजूद अपनी मॉम और बेला के बारे में मेंढक से पूछती है तो मेंढक एरिका को बताता है कि बेला ड्रम बजाने और मैजिक करने में काफी अच्छी थी। वहीं लाल बाल वाली विच यानी कि एरिका की मॉम मेंढक की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी वजह से वो गुस्सा होकर उससे दूर चली गई। इसके बाद मेंढक एरिका को उसके कमरे में भेज देता है जहाँ पर एरिका थॉमस के साथ बहुत खुश थी क्योंकि अब उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। एरिका जब एक्सपेरिमेंट रूम में आती है तो देखती है कि बेला अकेले ही सफाई कर रही थी। एरिका बेला से एक डील करती है जिसके अनुसार वो बेला की असिस्टेंट बनकर उसके कामों में उसकी मदद करे
करेगी और इसके बदले बेला एरिका को मैजिक सिखाएगी। इस बार बेला एरिका को मैजिक सिखाने के लिए राजी हो जाती है, जिससे एरिका बहुत खुश होती है। अब एरिका थॉमस के साथ बेला के घर में खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है, क्योंकि अब बेला एरिका से काम नहीं करवाती थी बल्कि उसे प्यार करती थी। और वहीं दूसरी तरफ मेंढक एरिका का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। एरिका मेंढक के मैजिकल क्रिएचर्स की मदद से अपने पसंद की चीजें मंगवाकर खाती थी। एरिका को अपने फ्रेंड कस्टर्ड की बहुत याद आती थी, इसीलिए कस्टर्ड को भी अपने साथ रहने के लिए बुला लेती है। लेकिन जब वो दरवाजे पर कस्टर्ड को लेने के लिए जाती है तो देखती है कि कस्टर्ड के साथ लाल बालों वाली विच यानी कि एरिका की मॉम भी थी, जो एरिका को देखकर बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।